पिज्जा का नाम सुनते सबके मुंह में पानी आ जाता है। सबको यही लगता है पिज्जा तो जरूर खाना है। तो आज आपके हजारों रुपए बचने वाले हैं क्योंकि डोमिनोज जैसा पिज्जा आज आप बना पाएंगे घर में ही। बहुत आसानी से बनेगा, बस शर्त ये है वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, तभी आप बना पाएंगे परफेक्ट पिज्जा। इसके लिए मैंने लिए एक कटोरी टमाटर केचप, एक चम्मच लिया चिली फ्लेक्स, एक चम्मच ऑरिगेनो, आधा चम्मच कुटी हुई काली मिर्चे, एक चम्मच भर के मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, बहुत थोड़ा सा इसमें मैंने डाल दिया नमक, दो चम्मच भर के डाल दीजिए चिली सॉस, इससे और बढ़िया टेस्ट लाने के लिए हम इसको एक तड़का देंगे। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है जिसमें एक टेबलस्पून बटर लिया है, एक टेबलस्पून क्रश किया हुआ गार्लिक लिया है, आप चाहे तो इसमें प्याज भी डाल सकते थे, हरी मिर्च भी डाल सकते थे, पर मैंने सिर्फ लहसुन लिया है। बस इसे थोड़ा पका लीजिए। अब इस पिज्जा की सॉस में थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश करके इस तड़के को डाल दीजिए। बन गया ये बहुत ही परफेक्ट पिज्जा सॉस, वो भी इंस्टेंट। तो यहाँ मैंने एक पैन लिया है जिसमें एक टेबलस्पून ऑयल डाला है, अब इसमें एक टेबलस्पून गार्लिक बारीक कटा हुआ प्याज डाल देती हूँ, इसे मैं पका लेती हूँ। एक चम्मच अदरक, एक चम्मच हरी मिर्च डाल रही हूँ, एक चम्मच चिली फ्लेक्स, एक चम्मच ऑरिगेनो, आधा चम्मच काली मिर्च कुटी हुई, आधा चम्मच चाट मसाला, बहुत थोड़ा सा नमक और एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, बहुत थोड़ा सा हल्दी पाउडर, इन सब को मैं पका रही हूँ। आज मेरे घर में रेड शिमला मिर्च है और हरा शिमला मिर्च है। मैंने क्या किया है, इनको बारीक चॉप कर लिया छोटे छोटे पीसेस में, दोनों को मैं इसमें डाल देती हूँ। इन्हें थोड़ा पका दिया है। इसे पकने के बाद मैंने दो टेबलस्पून भर के इसमें पिज्जा टॉपिंग डाल दिया है, जिससे इसका टेस्ट बहुत अमेजिंग हो जाएगा। अब मेरे पास है पनीर, आपके पास क्या चीज है, आप इसमें क्या डालना पसंद करोगे वो अपने हिसाब से डाल सकते हो। उबला हुआ आलू डाल सकते हो, मशरूम डाल सकते हो, सोया डाल सकते हो, ये च्वाइस आपकी, आप इसमें क्या यूज करेंगे बाकी पूरी तरीके से आपके ऊपर है। आप गार्लिक खाना चाहें, प्याज खाना चाहे तो डालें, नहीं तो बिल्कुल स्किप कर दें। चीज आप जितना चाहे डालें, जितना चाहे हटा भी सकते हैं। सब्जियां भी जो आप खाएं वही डालें, वरना ना डालें। मिक्स करने के बाद हरे धनिया की गार्निश कर दी है। अब स्टफिंग को ठंडा होने देते हैं। तो सबसे पहले हमें पिज्जा बेस बनाने के लिए उसके लिए डो बनाना होगा। डो बनाने के लिए मैंने एक बड़ा सा बोल ले लिया है जिसमें 400 ग्राम मैदा, अगर आप कटोरियों में नापेंगे तो करीब करीब 3 कटोरी मैदा मैंने ले लिया है, आप इसमें डाल दीजिए छान के। इसमें 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर डाल दीजिए, है तो डालिए, नहीं तो जब मैं पानी यूज कर रही हूँ तब आप दूध यूज कर लीजिए। 2 टीस्पून इंस्टेंट ड्राई ईस्ट डाल दीजिए, वैसे अगर आप चाहें तो अगर इसमें 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर भी डाल देंगे तब भी आपका काम चलेगा, बिल्कुल टेंशन न लें। पर क्योंकि पिज्जा मार्केट स्टाइल बनाना है आपको और ड्राई ईस्ट से बनता है तो मैंने वही यूज किया है। ये ड्राई ईस्ट भी आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। 2 टीस्पून पिसी चीनी डाल दीजिए, ईस्ट डालने के साथ चीनी आपको 100% डालना ही होगा, तभी इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। नमक जितना हो सके कम डालें, छोटा चम्मच नमक डाल दिया है। इसमें मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है, आप चाहे तो बटर मेल्ट करके डाल सकते हैं। अब मैं ऐसे गूंथ रही हूँ तो गुनगुने पानी से गूंथ रही हूँ। इसका डो ज्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए जिससे हमें बेलने में प्रॉब्लम ना आए। इस पूरे डो से कम 2 बड़े पिज्जा बनेंगे जो कि मार्केट में काफी महंगे मिलते हैं। आज मैं कैसे करने वाली हूँ, जैसे एक पिज्जा मैं बनाऊंगी अभी और एक पिज्जा को मैं तैयार करके फ्रिज में रखने वाली हूँ जिससे आप 1-2 दिन बाद भी उसे बना सके, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, सारी चीजें आपको बहुत पसंद आएंगी। इसे गूंथ कर कवर करके कहीं ऐसी ड्राई जगह, किस थोड़ी गर्म जगह पे, जैसे हम किसी अलमेरा में या अवन में रख देते हैं ना, बिना अवन को चालू किए तो बहुत जल्दी से ये डबल हो जाएगा। 1 घंटे बाद हम इसे चेक करेंगे, डबल हो जाएगा तो इसका पिज्जा बनाना शुरू कर। 1 घंटा हो गया है, अब मैं लेकर आई हूँ उस फर्मेंट किया हुआ डो को देखकर, बहुत बढ़िया डो फर्मेंट हो चुका है। अब इसे हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस हाथों से थोड़ा सा मलना है। अब जो हम इस पिज्जा को बनाने वाले हैं, इस पिज्जा का नाम क्या है, स्टफ्ड क्रस्ट पिज्जा, ये बहुत महंगा मिलता है, इसे आप घर में बहुत आराम से बना सकेंगे। अब इसके 2 पार्ट कर लेते हैं, इसे बनाना शुरू कर देते हैं।
एक पार्ट को ढककर हम कवर करके रख देते हैं जिससे हवा न लगे। दूसरे पार्ट को हम बेल लेते हैं। बेलने के लिए या तो आप कोई बड़ा सा चॉपिंग बोर्ड लीजिए या स्लैब पर ही बेलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हमें बड़ी साइज का चाहिए। हमें इसे बड़ा बेलना है तो बेलने के लिए हमें अक्सर क्या चाहिए होता है, सूखा मैदा। तो मैदा आप यूज कर सकते हो काम चलाने के लिए, पर यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक दे रही हूँ जो कि बहुत अमेजिंग है, मेरा एक्सपीरियंस है। जब भी मैंने पिज्जा बनाया है तो मैं मैदे के बदले क्या लेती हूँ वो देख लीजिए। ये है कॉर्न मील, जिससे हम मक्के की रोटी बनाते हैं, पराठा बनाते हैं सरसों के साग के साथ, तो वही रोटी वाला आटा है ये कॉर्न मील। मोटा अनाज जो होता है ना, जिसको डालने की वजह से ये पिज्जा जो है ना नीचे से काफी क्रिस्पी बनता है, जिसे खाने में बहुत मजा आता है। अगर आपके पास है मक्के का आटा तो आप जरूर यूज कीजिए। अब इस रोटी को हमने अच्छे से बड़ा बेल लिया, आपने देखा ना साइज नॉर्मल से बहुत बड़ी है, तो आप बेल दिया। अब नॉर्मल साइज जितना बीच में आपको ढक्कन का शेप देना होगा, जिससे क्या होगा कि हमें अंदाजा लग जाएगा कि कितने पार्ट में हमें पिज्जा बनाना है। तो बीच का पार्ट हमने दे दिया, अब जो बाकी का साइड है उसे हमें कट करना है। नॉर्मल नाइफ से कर सकते हैं या पिज्जा कटर से इस तरीके से कट लगा लीजिए। अब कट लगाने के बाद आपको फिलिंग भरनी है। फिलिंग ठंडी हो चुकी है, उसको हम यहाँ पर भरेंगे, गोल शेप में भरेंगे, पूरा नहीं भरेंगे। अब जो ये हमने कट लगाए हुए हैं उसे उठा उठा के ऊपर तक फोल्ड करने और उसके अंदर स्टफ्ड कर देना। तो स्टफ तो हमने बना लिया, अब बारी आती है पिज्जा कैसे बनाएं। तो इसमें दोनों का मजा है, स्टफिंग का भी और पिज्जा का भी। तो अब जो बीच का पार्ट है उसे हमें फोक से या नाइफ से प्रिक करना बहुत जरूरी है, वरना वो फूल जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। अब हमें क्या करना होगा, बीच में हमें पिज्जा टॉपिंग लगाना है, चीज लगाना है, मनपसंद सब्जियां लगानी है। मैंने तो शिमला मिर्च दोनों टाइप का, पनीर और अनियन के छोटे छोटे पीसेस लगा दिए। आप और भी कुछ लगा सकते हो जो आपके मनपसंद हो, ऑरिगेनो लगा दीजिए, चिली फ्लेक्स लगा लीजिए, चीज आपको जो मन करे लगाइए। और अपने घर के लिए बना रहे हो जो चीजें आपको पसंद है ना वो डालिए। इसे हम ओवन में बेक कर लेते हैं, माइक्रोवेव के कन्वेक्शन में भी बेक कर सकते हो। जब तक ये बेक हो जाए तब तक जो बचा वाला पार्ट है ना पिज्जा के डो का, उसको मैं सेम इसी तरीके से फिर से बना लू। अब जब ये बना लिया है, अब इसको मैं क्लिंग रैप से रैप कर रही हूँ और इससे मैं 2 दिन बाद बनाने वाली हूँ। मैंने पहले ही आपको बताया था ना कि ये पिज्जा एक ऐसा है कि जिसे आप आज बनाओ 2 दिन बाद भी बनाकर इसे खा सकते हो। 2 दिन बाद बनाना चाहोगे तो इसे निकाल लीजिएगा फ्रिज में से 5 मिनट पहले, और इससे जब आप बेक करेंगे तो 5 मिनट थोड़े शायद एक्स्ट्रा लगेंगे क्योंकि फ्रिज का रखा हुआ है। बहुत बढ़िया बनेगा पिज्जा टी। अगर घर में कोई पार्टी है तो 2-3 पीस भी आप बना के रख सकते हो, बहुत अमेजिंग पार्टी होगी आपके यहाँ। तो अब ये पिज्जा को हम देखते हैं कि हमारा बना है कि नहीं, पहले चेक कर लेते हैं। वाओ, बहुत अमेजिंग पिज्जा बन चुका है। तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, बटन को मेल्ट करके इसके ऊपर चारों तरफ लगाएंगे, जिससे वो शाइन आएगी ना, बस मजा ही आ जाएगा। स्वाद तो आएगा ही, शाइन भी बहुत अच्छी लगती है ना, तो बहुत अमेजिंग है। अब इसे कट कीजिए और एंजॉय कीजिए। देखा आपने कितना बढ़िया पिज्जा बनकर तैयार हुआ है। जब आप इस पिज्जा को बना लेंगे खुद से, जब उसका रिजल्ट देखेंगे, आपको अपने आप पर इतना गर्व होगा, आपको इतनी खुशी होगी कि ये पिज्जा हमने अपने हाथों से बनाया है। पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।